अगर आप महंगे पेट्रोल डीजल और पॉल्यूशन की वजह से परेशान हैं, महंगे फ्यूल और पॉल्यूशन से बचने के लिए कोई तरीका खोज रहे हैं तो आपके लिए ये खबर बहुत अच्छी है। दरअसल लखनऊ के चार बच्चों ने ऐसा कमाल कर दिया है जिसे देखकर सब हैरान हो गए हैं। पहली बार ऐसा हो रहा है कि एक कार तैयार हुई है लेकिन उसके चलने पर कोई प्रदूषण नहीं होगा, बल्कि ये उल्टा करेगी। ये कार जब चलेगी तो ये प्रदूषण को भगाकर हवा भी साफ कर देगी। कैसा है ये कार और ये कैसे काम करेगी, इसे कितनी कीमत होगी और कितनी रफ्तार होगी, सब कुछ आज हम आपको बताने वाले हैं। एंटी कोरोना ड्रोन बनाने वाले मशहूर रोबोटिक साइंटिस्ट मिलिंद राज की देखरेख में ऐसी 3 इलेक्ट्रिक गाड़ियां तैयार की गई हैं। इसे पेटेंट कराने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। इसके बाद अब कार के लोगों को लॉन्च करने की तैयारी है। दरअसल इस अनोखी कार को बनाने वाले छात्रों का नाम है श्रेयांश, गर्वित, विराज और जय। एंटी पॉल्यूशन कार के 3 मॉडल तैयार किए गए हैं जो 1, 2 और 3 सीटर हैं। ये इलेक्ट्रिक कार पूरी तरह से स्वदेशी है और इसको बनाने में करीब 1.5 साल का वक्त लगा। तो इसको जो चीज खास बनाती है, सबसे पहला ये कॉस्ट एफिशिएंट है और दूसरा इसमें एक सिस्टम है DFS, डस्ट फिल्ट्रेशन सिस्टम। तो ये क्या करता है, 5 to 6 feet के रेडियस में ये जो भी आपका एयर होती है, जिसमें जो भी डस्ट पार्टिकल्स होते हैं, जो भी, तो वो उसको अंदर लेता है और एक फिल्टर होता है जो कि उस डस्ट पार्टिकल्स को पूरा क्लीन करता है और फिर ऊपर से वो इसको एग्जर्ट करता है जो एयर है। और इसको हम लोग ने कम्प्लीटली जंग से बनाया है, जंक यार्ड से हम लोग ने मेटल शीट यूज करी है, उसी से हम लोग ने इस गाड़ी को बनाया है। अभी आप जैसा कि देख सकते हो उसमें सीट बेल्ट या डोर या विंडो अभी नहीं लगी है, अभी मेरे को उसमें और काम करना है और कस्टमाइजेशन करना है। इनमें से एक कार बनाने वाले एक छात्र ने बताया कि दुनिया के सबसे अमीर शख्स एलन मस्क से प्रेरित होकर ये कार उन्होंने बनाई, लेकिन कारें बहुत महंगी होती हैं, लेकिन हमारी कार बहुत सस्ती है। ये खास बात है कि हम लोग ने कोई ऑर्डिनरी तरीके से हम लोग ने इंस्पायर नहीं करा, हम लोग ने इंस्पायर करा है एलन मस्क से। एलन मस्क की कंपनी ओन करता है टेस्ला। टेस्ला इलेक्ट्रिक गाड़ियां बनाती है लेकिन एट दी रेट ऑफ 8 करोड़ बहुत एक्सपेंसिव हो जाएगा नॉर्मल मिडिल एज या कोई पर्सन के लिए। तो हम लोग ने सोचा कि क्यों नहीं कॉस्ट एफिशिएंट गाड़ी बनाए जो 2 व्हीलर्स के प्राइस पे है लेकिन प्रदूषण को बचाता है और उसे डीएफएस बोलते हैं। सबसे पहले तो मैं इस कार के बारे में बताना चाहूंगा, मेरी कार का नाम है मुर्सेलागो, इसका मतलब होता है बैट स्पैनिश में। ये कार इसका डिजाइन इंस्पायर्ड है बैटमैन से, बैटमोबाइल से, एंड डिजाइन का इंस्पिरेशन मुझे उसी से आया। एंड ये कार बनाने का इंस्पिरेशन एक अच्छे कॉज के लिए था, फॉर अ सोशल कॉज, विच इज की एनवायरमेंट की हेल्प करना, सस्टेनेबली डेवलप करना, और पर्सनली मेरा ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में काफी इंटरेस्ट भी था। अब इस कार बनाने में बच्चों को गाइड करने वाले साइंटिस्ट ने क्या कहा, ये भी सुन लीजिए। जी, ये विश्व में पहली बार ऐसा हुआ है कि इतने कम उम्र के बच्चों ने एक ऐसे मिशन और विजन पे एक कदम रखा जो कि सस्टेनेबिलिटी और मोबिलिटी की तरफ आगे बढ़ा है। तो ये कुछ 4 या 5 साल पहले की बात है। तो ये बच्चे हमारे पास आए थे तो हमको ये दिखा कि इन बच्चों में एक विज्ञान के लिए एक जुनून सा है, शुरू से इनमें था कुछ अलग सा करना है। तो यही कुछ 1.5 साल 2 साल पहले इन बच्चों ने कहा कि कुछ ऐसा किया जाए जिससे पूरे भारत का नाम पूरे दुनिया में रोशन हो और एक सस्टेनेबिलिटी और मोबिलिटी के लिए एक नया कदम उठाया जाए। तो इन बच्चों ने कहा कि हम लोग एक कार बनाते हैं जो कि जीरो एमिशन ही नहीं बल्कि नेट जीरो एमिशन होगी, जो हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर की विजन है कि 2070 तक भारत को नेट जीरो एमिशन कंट्री बनाना है। तो नेट जीरो एमिशन इसलिए क्योंकि एक तो ये एमिशन करती नहीं है, ये इलेक्ट्रिक कार्स हैं, दूसरा जो पोल्यूशन है उसको ये एब्जॉर्ब करती हैं और फिल्टर करती हैं और प्योरीफाई एयर बाहर इसको एमिट करती हैं। तो अगर यदि इस तरह की कार, इस तरह की सुपर टेक्नोलॉजी एडवांस जो व्हीकल्स हैं आपके, ये भविष्य में हर जगह आ जाएं तो आउटडोर एयर जो होती है, जो बाहर की हवा है, वो हमारे घरों से भी ज्यादा शुद्ध होगी और ये एनवायरमेंट, मोबिलिटी और सस्टेनेबिलिटी का एक अपने आप में बेहतरीन एक एग्जाम्पल है, एक उदाहरण है जो कि विश्व के सबसे छोटे वैज्ञानिकों ने कर दिखाया है। साइंटिस्ट मिलिंद राज मानते हैं कि अगर इन गाड़ियों को मान्यता मिल जाएगी और ये बाजार में उतरेंगी तो एक कार की कीमत सिर्फ 95,000 रुपए होगी, जो कि एक बार की चार्जिंग में तकरीबन 110 किलोमीटर तक की दूरी तय कर सकती है। लखनऊ से शिल्पी सेन की रिपोर्ट, भारत तक।